हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम इनकम फ्रॉम सैलरीज डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सैलरी से होने वाली इनकम, कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ अलाउंसेस जो सैलरी में इंक्लूड किए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सैलरी क्या है? सबसे पहली चीज़, वो अमाउंट जो एक एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉयर से मिलता है वो सैलरी है। वो वेजेस भी हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट में वेजेस और सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। मैनुअल वर्क के लिए आपको वेजेस मिलती हैं, जो नॉन मैनुअल वर्क है उसके लिए आपको सैलरी एज अ रेमुनरेशन मिलता है। बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप यहाँ होना ज़रूरी है, तभी एक इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होती है। सैलरी जो टैक्सेबल होती है वो ड्यू और रिसिप्ट बेसिस पर होती है, जो कि पहले होगा। अगर ड्यू पहले हो गई है तो पहले उस ईयर में आपको टैक्स लगा देना है। रिसीविंग पहले हो गई है तो उस पर टैक्स लगा देना है। सैलरी एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से भी मिल सकती है, ठीक है। तो सैलरी के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सैलरी का प्लेस ऑफ एक्रूअल भी हमें देखना होता है। सैलरी इज डीम टू एक्रू और अराइज एट अ प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड। जहाँ पे सर्विसेज दी गई हैं वहीं सैलरी को अराइज माना जाता है, कि वहीं पर सैलरी जनरेट हुई है। इफ़ द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया तो क्या होगा? सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम फॉर रेंडरिंग दीज सर्विसेज विल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इंडिया में अगर आपने सर्विसेज दी तो इंडिया में ही ये सैलरी अराइज मानी जाएगी, एक्रू मानी जाएगी, इवन इफ रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। चाहे अमाउंट रिसीव बाहर आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन हो सकता है ना कि आप किसी MNC में काम करते हैं, आपने इंडिया में काम किया, इंडिया में रहते हुए जो आपने सैलरी ड्यू की वो आपकी सैलरी में इंक्लूड होगी। आप बाहर दूसरी जगह पे चले गए लेकिन फिर भी रिसीव भले ही वहाँ जाके हो रही है पर फिर भी वो सैलरी इंडिया में ही एक्रू मानी जाएगी। सैलरी रियल होनी चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ भी हमने सोच लिया। इंटेंशन टू पे है देर शुड, तो इंटेंशन ठीक है लेकिन रिसीव होना ज़रूरी है, रियल भी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो पर्सनल गिफ्ट होते हैं, कोई वॉलंटरी पेमेंट एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय को की जाती है एम्प्लॉयर द्वारा इन कैश या इन काइंड, अगर कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है तो आप उसको सैलरी के अंडर टैक्सेबल करेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात एक ये है कि ड्यू डेट क्या रहेगी। गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है, सैलरी फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इज़ ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। इस महीने की सैलरी मेरे को ड्यू होगी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज केस में। लेकिन जो बैंक और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी केस में जो सैलरी ड्यू हुई फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इज़ ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ, इस महीने के लास्ट में ही ड्यू हो जाएगी। तो सैलरी में इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सैलरी इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स। बेसिक सैलरी, वो कंपनसेशन जो आपको काम करने के लिए दिया जा रहा है, इसमें कोई अलाउंसेस नहीं होते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं होती हैं। एडवांस सैलरी जो आपको एडवांस में मिल गई। अब ये सैलरी जो होती है ये रिसीव के बेस पर, जिस ईयर में वो रिसीव हो गई ना एडवांस में, उसी साल उस पर टैक्स लगेगा। हाँ, SSC जो है वो बाद में रिलीफ क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 89, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। एरियर्स ऑफ सैलरी, कोई सैलरी थी जो ड्यू तो हो चुकी है लेकिन अभी वो एरियर इकट्ठा अभी रिसीव नहीं हुई है, तो जिस साल भी वो रिसीव हो जाएगी उस साल उसको आप टैक्सेबल कर देंगे ऑन रिसिप्ट बेसिस, तो ये भी सैलरी में आता है। सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड, कई बार क्या होता है कि नॉर्मली इफ़ एन एम्प्लॉयर वांट्स टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई को निकालना चाहता है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन वो क्या कहता है, नोटिस पीरियड उसे बोलते हैं हम। नोटिस पीरियड की बजाय वो क्या कह देता है कि भाई आपको एक आपको सैलरी एडवांस में हम नोटिस पीरियड के कंपनसेशन में यू कैन से निकाल देते हैं और इमिडिएटली, और उसको सैलरी दे देते हैं। सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड की जगह पे आपको सैलरी दे दी गई, आपको पहले से नोटिस नहीं दिया गया, तो वो भी रिसीव बेसिस पर, जिस ईयर में ये ऐसा रिसीविंग हुई है वो भी टैक्सेबल रहेगी सैलरी हेड के अंडर। कोई बोनस होता है, बोनस भी जब रिसीव हो जाता है तो भी टैक्सेबल हो जाता है। कोई फीस कमीशन वो भी एम्प्लॉयर जो किसी एम्प्लॉय को दे रहा है सैलरी में आ जाएगा। कोई ओवर टाइम पेमेंट इसमें आ जाएंगी, एंड इवन एनुअटी जो होती है, एनुअटी इज़ एन एनुअल ग्रांट और पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर, इधर वॉलेंट्री और अंडर द टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट, तो ये भी एज अ सैलरी टैक्सेबल रहता है, ठीक है। लीव सैलरी, आप एक एम्प्लॉई है वो छुट्टी पे चला गया है लेकिन उस छुट्टियों की भी उसे सैलरी मिल रही है, तो वो भी
आपको सैलरी में ही इंक्लूड करनी पड़ेगी। कोई ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी क्या होती है? देखिए, ग्रेचुटी एक पेमेंट होती है जो कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करता है इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, तो जो ग्रेचुटी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उसके एप्रिसिएशन की फॉर्म में पेमेंट की, तो ग्रेचुटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करता है तो वो फुली एग्जेम्प्ट है, जबकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिलती है तो उसको एक स्पेसिफिक लिमिट तक वो एग्जेम्प्ट है, उसके बाद उस पर टैक्स लगता है। इसकी भी न्यूमेरिकल में है ज़रूरत पड़ती है कितनी एग्जेम्प्ट है, कितनी पर टैक्स लगेगा। ऐसा ही पेंशन होती है। पेंशन क्या होता है? इट इज़ अ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन एम्प्लॉई। तो नॉर्मली ये मंथली बेसिस पर पेड होती है, बट कई बार क्या होता है कि जो जब एक पर्सन रिटायर होता है तो इकट्ठी ही पेंशन ले लेता है, लमसम अमाउंट ले लेता है, तो उसे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बोलते हैं। तो जो मंथली पेंशन होती है वो तो फुली टैक्सेबल होती है, ठीक है, इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। हाँ, यूएनओ के लिए या जो यूएनओ में जिन्होंने काम कर रखा है, यूनाइटेड नेशंस में, या गैलेंट्री अवार्डीज हैं कोई, उन्हें पेंशन जो मिलेगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। और जो कॉमिटेड पेंशन है कि आप रिटायर हुए, आपने एक लमसम अमाउंट ले लिया पहले से ही, तो उस पर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में टैक्स फ्री होती है, फुली एग्जेम्प्ट होती है पूरी की पूरी, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वो पार्शली एग्जेम्प्ट होती है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हो सकता है कि आपकी छटनी कर दी गई आपको, तो उस केस में भी जो आपको कंपनसेशन एम्प्लॉयर ने दिया वो भी एक स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जेम्प्ट रहेगा। साथ ही साथ कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये भी आपका सैलरी में ही आता है, और इसकी भी वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम जो भी आपको कंपनसेशन मिल रही है इसकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट तक वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज ये सैलरी में ही जाएंगी, मतलब इंक्लूड की जाती हैं। तो ये कुछ सैलरी का था कि सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उन रिसीव के बेस पर टैक्स लगेगा या कुछ एग्जेम्प्टेड रहेंगी। साथ ही साथ हम बात करते हैं अब अलाउंसेस की। देखिए, सैलरी में, सैलरी आपकी एक हम आगे टेबल भी पढ़ेंगे कि सैलरी में हम क्या क्या ऐड करते हैं जिस पर हमें टैक्स देना है। तो अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस इज़ अ फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंसेस। कुछ खर्चे करने के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को पेमेंट की, वेदर पर्सनल और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़। तो ये जो अनाउंसेस होते हैं ये प्री डिटरमाइंड होते हैं। तो देखिएगा, फिक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, टैक्सेबल होते हैं ये ड्यू और रिसीव के बेसिस पर जो पहले से होगा। साथ ही साथ ये प्री डिटरमाइंड है, फिक्स्ड अमाउंट प्री डिटरमाइंड है, एक्चुअल खर्चा क्या होगा उसके उससे मतलब नहीं है, ये अलाउंसेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया, फुली टैक्सेबल अलाउंस, फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस और पार्शली टैक्सेबल पार्शली एग्जेम्प्ट अलाउंस। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम फुली टैक्सेबल अलाउंस की बात करते हैं। पहले जो टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल मतलब जिस पर पूरा पूरा हमें टैक्स देना है, जिसको हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे और पूरे पूरे पर टैक्स देंगे। सबसे पहले आता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस जो है ये एम्प्लॉयज़ को पे किया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा टू कंपनसेट फॉर राइजिंग प्राइसेस, कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, आप बिग सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ की कॉस्ट ज़्यादा है, तो उस केस में सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये सब फिक्स होते हैं, इतना ही मिलेगा चाहे खर्चा कितना भी हो जाए। ये जो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट का खुद का या फैमिली मेम्बर्स का खर्चा होता है उसके लिए दिया जाता है, उसको कंपनसेट करने के लिए। ओवर टाइम अलाउंस, जो आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो ये मिलता है। टिफिन रिफ्रेशमेंट अलाउंस जो होता है वो आपको लंच के लिए रिफ्रेशमेंट दी जाती है एम्प्लॉयर द्वारा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मेनली ये डॉक्टर्स के केस में होता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको कंपनसेट करने के लिए आपको एक अलाउंस दे दिया गया इस टाइप का। हिल एरिया अलाउंस, एक पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा पे आप रह रहे होते हैं तो वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरियाज हिली एरिया में, तो ये फुली टैक्सेबल तो है ये। ठीक है, तो ये भी आपका ना डिपेंड करता है कितनी हाइट पर आप हैं, ये फुली टैक्सेबल कब है? इफ़ द हिली एरिया इज़ एट लेस देन 1000 मीटर हाइट
फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से 1000 की ऊंचाई से कम पर है तो आपके इस अलाउंस पर पूरा पूरा टैक्स लगता है। डेपुटेशन अलाउंस, आपको डेप्यूट कर दिया है, आप कहीं और जॉब कर रहे हैं परमानेंटली, लेकिन कुछ टाइम के लिए टेम्परेरली आप दूसरी जगह पर अपनी सर्विसेज देने जा रहे हैं तो इस टाइप का अलाउंस आपको दिया जाएगा। कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट अलाउंस आपको दिया जाएगा, स्पेसिफिक वर्क के लिए ये अलाउंस मिलता है। कोई वार्डन या प्रॉक्टर है, ये मेन हॉस्टल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में होता है, तो इस टाइप का अलाउंस भी आपका टैक्सेबल होता है। टेलीफोन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, इस टाइप के कुछ अलाउंसेज हैं, आपकी बुक में बहुत अच्छे से भी ये दिया होगा, तो इसको हमें ज़्यादा नहीं सोचना होता, हमें क्वेश्चन में अलाउंस दे रखा होगा, आपको सिंपली उनको सैलरी में ऐड कर देना है, तो ये आपके फुली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं। फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस कौन से होते हैं? फुली एग्जेम्प्ट जिस पर कि टैक्स नहीं देना, आपको ये अपनी सैलरी में इंक्लूड नहीं करने हैं। अलाउंस फ्रॉम UNO, UNO से कोई भी अलाउंस मिल रहा है, UNO में कोई काम कर रहा है, तो वो फुली टैक्सेबल नहीं, वो फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस हैं। कोई आउटसाइड इंडिया, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाता है, उसको अलाउंस दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भारत से बाहर काम करने के लिए, तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड रहेगा। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, या हम यू कैन से सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जो होते हैं, जो उनको कोई अलाउंस दिया जाता है, इवन जो उनको सम्प्यूटरी अलाउंस इसे कह सकते हैं, सत्कार भत्ता जो दिया जाता है, वो भी कर मुक्त होता है, वो भी एग्जेम्प्टेड होता है। कंपनसेटरी अलाउंस भी आपका, इसमें जो जजेस को कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है, वो भी टैक्सेबल नहीं है। प्रीडीम अलाउंस होता है, जिसमें कि प्रीडीम अलाउंस का ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अ स्पेसिफाइड अमाउंट दैट एम्प्लॉयर पेज टू एन एम्प्लॉई पर डे टू कवर लिविंग एक्सपेंसेस व्हेन ट्रैवलिंग फॉर वर्क, ये भी फुली एग्जेम्प्ट है। आप ट्रैवलिंग में, आपका काम ऐसा है कि आपको इधर से उधर जाना पड़ता है, हर रोज़ का आपका खर्चा हो जाता है, तो एम्प्लॉयर जो है आपको ऐसा कुछ पर डे के हिसाब से पेमेंट कर रहा है, तो वो भी आपकी फुली एग्जेम्प्टेड होगी, क्योंकि वो आपके खर्चे के लिए पेमेंट कर रहा है। कोई अलाउंस जो है सार्क मेंबर स्टेट्स को मिलता है, ठीक है, तो वो उन मेंबर स्टेट में आप काम कर रहे हैं, तो कोई टीचर हैं आप वहाँ पे, प्रोफेसर हैं, या कुछ और काम कर रहे हैं, तो उनको जो सैलरी मिल में ये अलाउंस दिया जाएगा, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्टेड रहेगा। चेयरमैन, जो UPSC के मेंबर्स या चेयरपर्सन होते हैं, उनको जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस हो गया, कोई कन्वीनियंस फैसिलिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो गए, ठीक है, तो इस टाइप के जो अलाउंसेस हैं वो भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होते हैं। तो आज की क्लास में हमने इतना ही करना है कि जो कौन कौन से अलाउंसेस आपके फुली टैक्सेबल हैं और कौन कौन से फुली एग्जेम्प्ट हैं। आई होप आपको ये वीडियो में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सैलरी क्या है और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास।